आपकी इतला के लिए दो तीन दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहाँ 370 तोड़े गए, हमारी रियासत ख़त्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकलें, वो चाहते हैं। आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीका से निकाल सकें। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, आजाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो, उसके लिए ये आजाद साहब की क्यादत में हम सब ने कदम उठाया है। जो पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब बनाएंगे, गुलाम नबी आजाद साहब एक सेकुलर लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के सब सारे उम्मीदों को सामने रख के चलेगी, और बी टीम या बीजेपी के साथ हमारी पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो 370 में जो चीज़ें थी उसमें तो रहा था जमीन का मसला के बाहर का कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उसमें था कि बाहर का कोई आके जहां नौकरी नहीं कर सकता, उसमें ये भी था कि नौकरी बाहर का कोई नहीं कर सकता, जहां का कोई एमएलए बनेगा या एमएलए बनाने के लिए जो वोटर होगा वो लोकल होना चाहिए। हम ये हमारे मंशूर में है, हम इसी पे लड़ाई लड़ेंगे, रियासत को बहाल कराएंगे, और ये चीज़ें जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। 370 वापस लाने के भी आपने, मैंने कहा कि जो उसमें फैसिलिटीज थी उनको फिर वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।